साधु सन्यासी ऋषि मुनि और शास्त्री जी जैसे महापुरुषों की धरती है जिन्हें धर्म का सच्चाई का अच्छाई का ज्ञान असें लोगों च प्रवाहित कर दे। असें बड़ी खुशी है कि जम्मू के कोने कोने च ग्रां ग्रां शहर शहर इस प्रकार का धर्म का प्रचार प्रसार होता है। धर्म जिहड़ा एक इंसान की अच्छा इंसान इंसान अंदर कोई बुराई कोई ऐसे विचार दूर करता है। धर्म पूजा पाठ नित नियम जप तप सारे घरे करते हर परिवार च कोई ना कोई मंदिर होता है पूजा होती है हवन होता है और ये कने जिस घर जिस जगह पूजा पाठ जप तप होता है उत्थे ईश्वर का साक्षात वास होता है। रामायण च असे कई बार पढ़िया सुनिया दिखिया जिसले भगवान राम वनवास गए एक शबरी माता जी का आश्रम शबरी माता दे आश्रम गए वो सारी कथा असें ही पता है। माता बैर चुनी चुनी रखती कौड़ा या खट्टा बैर नहीं हो है, मिठा बैर हो है। ते उल्लै कोई मशीन तो होंदिया नहीं है चक्कर दे चखी चखी है माता ते भगवान जी ने बड़े प्रेम भाव कन्ने और झूठे बैर प्रसाद समझिए वो ग्रंथ और आखिर के जिथे शबरी माता का आश्रम है उथे महारिषि मतंग जी का बड़ा आश्रम है। महारिषि मतंग जी की शिष्य आई है शबरी और मतंग ऋषि बड़े पूजा पाठी जति सती तपस्वी आदमी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमारे इस जम्मू ग्रामीण क्षेत्र में बाबा चंचल जी के सहयोग से और आम जनता के जनमानस के सहयोग से यहाँ इस गांव बर्न में बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। जो धार्मिक मर्यादाएं हैं मूल्य हैं जो हमारी संस्कृति है वो व्यक्ति को जीना सिखाती हैं अच्छाई सच्चाई ईमानदारी से जीना और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो भी हमको इंसानियत हर इंसान के शख्स में हो सबके लिए भला हो विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो इस संसार का हर एक प्राणी सुखी हो खुशी से जिए ये पैगाम ये संदेश हमारे धार्मिक ग्रंथ देते हैं। मज़हब इंसान को अच्छा इंसान बनाता है कोई भी मज़हब हो वो हमेशा इंसानियत भाईचारा प्यार अच्छाई सच्चाई और इंसानियत के नाते से एक दूसरे का सहयोग करके हर
इंसान को, हर शख्स को उसकी ज़िंदगी में अच्छाई का पैगाम देता है। और हमें इस बात की खुशी है कि जम्मू के इस ग्रामीण क्षेत्र में बाबा चंचल जी के सहयोग से, यहाँ के जनमानस के सहयोग से भागवत पुराण की ये सारी कथा और ये भागवत संकीर्तन इस सारे क्षेत्र में हो रहा है। मैं यहाँ की जनता को, जहाँ की लोगों को, माता बहनों को और विशेषकर बाबा चंचल जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाबा चंचल सिंह हमेशा रविंद्र जी सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए आए हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, लोगों की सेवा करना, खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, गरीब परिवारों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होना, गरीब बच्चियों की शादियों में सहयोग करना, गरीब कोई बीमार है तो उसके इलाज में मदद करनी, यही इंसानियत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सारे क्षेत्र में गरीबों के लिए बाबा चंचल जी बहुत काम करते हैं। गरीब परिवारों के लिए, अगर कोई बीमार हो जाता है, गरीब आदमी हो या गरीब के घर में एक शादी हो, गरीब बेटियों की शादियों में ये बड़ी मदद करते हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। राणा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आपके सत्रों में वहाँ पर माथा टेकने बाबा चंचल सिंह के द्वार पहुँचे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पार्टी प्रेसिडेंट हमारे जो हैं वो पूजनीय हैं, वो आज इधर पहुँचे थे। पूरी हमारे जो जितनी भी इधर हजारों की संख्या में जनता थी, उन लोगों के साथ मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है। आज हमारे गाँव में वो जहाँ पर आए हैं, पूजा पाठ किया है, हवन यज्ञा मूर्ति पूजा भगवान जी की, नारायण भगवान जी की, राम जी की, सीताराम भगवान की, उन्होंने सबकी आज पूजा की है। जहाँ बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध गोरिया, माता मल, राजा मल्लिक, बाबा काली बीर, माँ काली, पीर फकीर, सबकी पूजा पल्टी प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र राणा जी ने की है। और बहुत अच्छा लगा है, हमारे श्रेष्ठ शास्त्री जी कथावाचक थे और बहुत ही अच्छा लगा आज हमारे गाँव में वो पहुँचे। हाँ जी, ये कितने दिन चलेगा? जिस 30 तारीख से लेके 6 तारीख तक सतबा कथा चलेगी और 15 दिन 15 श्राद्ध लगातार यज्ञ और 7 तारीख को दंगल, ये हमारे पीरों फकीरों का देवियां देवताओं के नाम पर होता है। और जे एक सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागृत किया जाता है, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। सनातन धर्म सबसे बड़ा है, मैं यही कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है सनातन धर्म के लिए। पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने लोगों को कहा है, भाई आप पूजा पाठ करें, हवन यज्ञा गौ पूजना कंजक पूजना, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए हमें पूजा पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लाना चाहिए। और लोगों को अच्छा संदेश दिया है उन्होंने, यही कहा है, जिस घर में पूजा पाठ होता है वहाँ कभी कष्ट नहीं आते, तो हमें पूजा पाठ करना चाहिए।